रेहल के उदयपुर में घर में अपने भाई बहनों के साथ खेल रही एक बच्ची पर गुलदार ने हमला कर गांव के नजदीक खेत पर ले गया। परिजनों के शोर शराबा करने पर इकट्ठा हुए ग्रामीणों ने बच्ची को खून से लथपथ हालत में खेत पर पड़ा देखकर आनंद फानन में निजी चिकित्सालय में भर्ती कराया। दरअसल रेहल क्षेत्र अंतर्गत गांव उदयपुर निवासी रिजवान अहमद की पुत्री अर्शी अपने भाई शहवान के साथ घर में खेल रही थी। इसी दौरान चारदीवारी छोटी होने के कारण गुलदार घर में आ घुसा और अर्शी पर हमला कर उसे खींच कर ले गया। शहनाव के शोर मचाने पर मौके पर एकत्र हुए परिजनों व ग्रामीणों ने अर्शी की तलाश शुरू की। इसी दौरान गांव के ही निवासी रियाजुद्दीन को खून से लथपथ मरणासन अवस्था में अर्शी किसान राकेश कुमार के खेत में पड़ी मिली। घायल अर्शी को आनन फानन में निजी चिकित्सालय में भर्ती कराया गया, जहां उसे चिकित्सकों ने मृत घोषित कर दिया। बच्ची की मौत से घर का माहौल गमगीन हो गया। उधर घटना की सूचना मिलने पर नगीना रेंज अधिकारी स्टाफ सहित मौके पर पहुंचे और घटना स्थल का निरीक्षण कर नियमानुसार कार्रवाई कर पीड़ित को मुआवजा दिलाने की बात कही। रेहर से मनोज गहलोत की रिपोर्ट। नाम आपका? रियाजुद्दीन। क्या घटना हुई है ये? क्या घटना हुई है? घटना हुई है ये, हमारे घर खेल रहे थे बच्चे नहर पे। क्या नाम है बच्चे का? इसका नाम हुआ अर्शी। अच्छा, फिर क्या हुआ? अब ये दो बच्चे थे, ये इसको पकड़ का जो है गुलदार ले गया, वो बोला के भालू ले गया, भालू ले गया। घर पे से खेलते हुए और जो है हमने पेड़ से ढूंढा वाला, बतेरा टाइम लगा तो बीच करने में मिली है मुश्किल से। रात में कपड़े सपड़े सब हमारे घर रहते हैं, पूरा गांव हुआ था, मैं अकेला भागा फिरा, जब मेरी लौटे मुश्किल से मिली मुझे। तो आपने सूचना दी किसी को? सूचना देने का टाइम कहाँ है हमें, अब ये तो हम इसे भागे फिर। हेलो।